हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आप सबका एक बार फिर से बैक टू बैक आरआर गेमिंग की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हाँ, तो फाइनली गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि है हमारा वीआर रैंक ओपन न होना, सीएस रैंक ओपन न होना। और भाई आप जैसे ही हमारे वीआर को सिलेक्ट करते हो या सीएस को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने ये बैन नोटिस आता है। और भाई यहाँ पर आपको बोलता है गेना फ्री फायर की भाई 60 स्कोर प्लस करो, किसी को भाई 80 स्कोर प्लस करने की बोल रहा है, किसी को 90 स्कोर प्लस करने की बोल रहा है। तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज की इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर दूंगा। पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वो रिक्वेस्ट आपसे मैं सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, लाइक नहीं मांगूंगा, ओनली भाई वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल इजीली बिल्कुल स्लोली स्लोली वॉच करना है, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है? आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो भाई कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है? तो अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर देते हैं, जिसके कारण भाई आप वीआर नहीं खेल पा रहे हो एंड भाई सीएस नहीं खेल पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये मैं सॉल्व कर दूंगा। और इसी के साथ साथ आपके कुछ कमेंट आए थे वो बता देता हूं। और भाई यही कारण है कि मैंने आपके कमेंट देखे तो भाई मेरे को लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और आप यहां पर ये कमेंट देख पा रहे हो, राहुल भाई मेरा सीएस ओपन नहीं हो रहा, वीआर ओपन नहीं हो रहा, होनर स्कोर माइनस हो गया, इसको प्लस कैसे करें? तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजीली बता दूंगा कि आपका सीएस ओपन कैसे होगा, वीआर ओपन कैसे होगा एंड होनर स्कोर प्लस कैसे कर पाओगे। पर उससे पहले आप मेरा खुद का होनर स्कोर देखो यार, यहां पर 55 होनर स्कोर है और मैं आपको बता दूं इससे पहले मेरा 50 होनर स्कोर था। हां गाइस 50 होनर स्कोर। अब भाई आप में से बहुत सारे बंदों का इतना तो माइनस नहीं होगा, पर भाई मेरा इतना ही माइनस था और मैंने इसको कैसे प्लस किया वही मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से भाई आप भी बिल्कुल इजीली इस होनर स्कोर को प्लस कर सको। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये माइनस कैसे होता है, क्योंकि भाई माइनस का सबसे बड़ा पॉइंट है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि माइनस कैसे होता है। अब आपको पता चल जाएगा तो आप वो गलती नहीं करोगे और आपका होनर स्कोर माइनस नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये गेम बैक करने से माइनस होता है, जैसे कि आप वीआर खेल रहे हो, सीएस खेल रहे हो और आपने बैक कर दिया गेम को, तो भाई आपका तुरंत होनर स्कोर माइनस होगा। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो भाई आप चेक भी कर सकते हो बैक करके, और अभी मैं आपको वीडियो में आगे बता भी दूंगा, ठीक है? और भाई इसी के साथ साथ अगर आप वीआर खेल रहे हो, सीएस खेल रहे हो और आपकी मम्मी या पापा बोलते हैं कि बेटे काम है वहां पर चले जाए ये कर ले, और भाई आपने गेम बैक नहीं किया है पर आप ऑफलाइन होकर उसको रख दिया, तो भी भाई आपका होनर स्कोर माइनस होने वाला है। और भाई माइनस कुछ इस तरीके से होता है, आप यहां पर लिस्ट देख पा रहे होगे और सबसे नीचे 6 पॉइंट माइनस है, और भाई प्लस कुछ इस तरीके से होता है जो कि आप यहां पर देख पा रहे होगे, 1 पॉइंट प्लस है, 1 पॉइंट प्लस है, तो भाई प्लस आपको 1 पॉइंट मिलेगा और माइनस आपको भर भर के मिलेगा, जैसे कि भाई 6 माइनस हो जाएगा, 6 हाईएस्ट माइनस पॉइंट है, उसके बाद 2 माइनस पॉइंट, 3 माइनस पॉइंट, और आप यहां पर देख पा रहे होगे कि भाई मैंने झड़ी लगा दी थी माइनस पॉइंट की। अब भाई आप यहां पर देखो सबसे ऊपर 6 है, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है एंड भाई 6 सबसे हाईएस्ट दिखा मेरे को माइनस पॉइंट, ठीक है? और यहां पर मैं जैसे ही भाई वीआर एंड सीएस रैंक सिलेक्ट करने गया ना, तो मेरे को यहां पर ऑप्शन आता है कि भैया आपका 60 होनर स्कोर प्लस करो, मेरा मूड सटक गया एंड भाई आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई मैंने 60 होनर स्कोर प्लस किया। अब भाई मैंने 60 होनर स्कोर प्लस किया फिर भी भाई वीआर एंड सीएस ओपन नहीं हुआ। मगर क्यों? क्योंकि भैया गेरिना बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब भाई गेरिना मेरे से बोलने लगी कि भाई 80 होनर स्कोर करो एंड भाई बैन नोटिस भेजने लगी कि 80 होनर स्कोर आप जैसे ही प्लस करते हो तो आपका वीआर सीएस ओपन हो जाएगा। तो भाई मैंने 80 होनर स्कोर किया फिर भाई हमारा वीआर रैंक ओपन हो गया, पर भाई मैंने सीएस रैंक सिलेक्ट किया तो भाई सीएस रैंक ओपन नहीं हुआ। फिर बोलती है कि भाई आप बैन नोटिस भेजती है और बोलती है कि भाई आपको 90 स्कोर प्लस करना है, फिर मैंने 90 स्कोर प्लस किया, मेरा सीएस रैंक भी ओपन हो गया। क्या बात है? यानी कि सीधी सी बात यह है कि भाई आपका 60 स्कोर प्लस करोगे ना आप, तो भाई आप बंदों के साथ खेल पाओगे, ठीक है? अपने फ्रेंडों के साथ खेल पाओगे क्लासिक। और भाई अगर आपको वीआर रैंक खेलना है तो आपको 80 स्कोर प्लस करना पड़ेगा, फिर आप वीआर रैंक खेल पाओगे और एंड भाई 80 से कुछ भी ऊपर हो नीचे ना हो। एंड भाई यहीं पर अगर आप 90 स्कोर प्लस कर लेते हो या 90 से ज्यादा स्कोर प्लस कर लेते हो ना हमारा होनर स्कोर, तो भाई आप सीएस खेल पाओगे और वीआर खेल पाओगे, यानी कि बेटे मौज कर दी। तो भाई ये भी मैंने आपको बता दिया सीएस कब ओपन होगा, वीआर कब ओपन होगा, कितने पॉइंट। अब भाई मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसको अगर आप देखोगे तो भाई आप बोलोगे बा भाई क्या चीज बताई आरआरजी भाई आपने। तो आपने यहां पर देख पाया होगा कि भाई मेरा 95 होनर स्कोर है एंड भाई मैं यहां पर सीएस रैंक स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? अब भाई मैं इसको स्टार्ट तो कर रहा हूं पर अगर मैं इसको बैक करूंगा ना मेरे अंदाज में, तो भाई मेरा यहां पर होनर स्कोर 10 प्लस होने वाला है और हो सकता है कि भाई मेरा होनर स्कोर 20 भी प्लस हो जाए। तो अभी आप यहां पर देख पाओगे कि मेरा सीएस स्टार्ट हो चुका है सीएस रैंक एंड यहां से मैं बैक कर देता हूं और भाई आप यहां पर देख पाओगे कि भाई मैं होनर स्कोर के अंदर जा रहा हूं एंड भाई यहां पर अपने को 10 होनर स्कोर
प्लस देखने के लिए मिल ले, 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 भाई यहाँ पे तो माइनस हो गया भाई। हिस्ट्री में गए तो भाई चार ऑनर स्कोर माइनस, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हाँ तो भाई यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि अगर आप गेम को बैक करते हो तो भाई आपका ऑनर स्कोर माइनस होने वाला है। अब भाई जैसे कि मैंने सीएस को बैक किया तो भाई चार ऑनर स्कोर माइनस हुआ है, अगर आप वीआर को भी बैक करोगे तो भी भाई आपका ऑनर स्कोर माइनस होने वाला है। अब भाई मैंने यहाँ पर फिर से सीएस रैंक स्टार्ट किया है और इसको भी बैक करने वाला हूँ। अब भाई इसको बैक इसलिए करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई बैन नोटिस कैसे आता है और भाई जैसे ही आपके पास बैन नोटिस आए तो भाई आप उससे बच सको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई मैंने अभी मेरा गेम स्टार्ट कर दिया है और भाई जैसे ही मेरा सीएस स्टार्ट होता है जो कि हो गया है तो भाई अभी मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो भाई फाइनली आप यहाँ पर देख पाओगे मैं इससे बैक हो गया और भाई बैक हुआ जैसे ही मेरे को यहाँ पर बैन नोटिस आ चुका है कि भाई आप अब सीएस रैंक नहीं खेल सकते हो, आपका होनर स्कोर लो हो चुका है, आपने होनर स्कोर माइनस कर लिया है। और भाई आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई मेरा होनर स्कोर 85 बचा है और भाई अपना सीएस रैंक अभी बैन हो चुका है। पर अगर मैं वीआर रैंक सिलेक्ट करता हूँ ना तो भाई यहाँ पर मेरा वीआर रैंक अभी बैन नहीं हुआ है क्योंकि भाई मेरा 85 होनर स्कोर है। अगर 80 से नीचे होता, 80 से नीचे होता तो भाई मेरा वीआर रैंक भी बैन होता। और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भाई सीएस खेलना है तो मेरे को 90 स्कोर प्लस करना पड़ेगा, अगर मैं 90 स्कोर प्लस नहीं करता हूँ तो मैं सीएस रैंक नहीं खेल पाऊंगा, सीएस रैंक बैन रहेगा। और आप यहाँ पर बता दूं कि भाई जो ऑनर स्कोर है ना अपना 85 है और अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ ना तो भाई मेरे को यहाँ पर हिस्ट्री में माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे जो कि भाई हमने सीएस रैंक बैक कर करके किए थे। तो भाई यहाँ पर सबसे पहला माइनस पॉइंट अपना 4 था, दूसरा 6 था। और आप यहाँ पर देखो कि भाई 85 अभी अपना ऑनर स्कोर है और भाई अभी अपन खेलने वाले हैं लोन वॉल्फ। तो भाई अगर आपको प्लस करना है तो लोन वॉल्फ सबसे सही तरीका है, आप लोन वॉल्फ खेलो, आपका कभी भी ऑनर स्कोर माइनस नहीं होगा अगर आप प्लस करने जा रहे हो। और अगर आपका 80 प्लस ऑनर स्कोर है ना तो आप वीआर रैंक खेल के भी प्लस कर सकते हो, ओनली भाई ऑफलाइन मत जाना, बैक मत करना। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई अभी मेरा लोन वॉल्फ स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं लोन वॉल्फ के अंदर से बैक करने वाला हूँ गेम को। तो भाई फाइनली यहाँ पर मैंने लोन वॉल्फ को बैक भी कर दिया है और अभी अपन ऑनर स्कोर की तरफ चलते हैं। तो भाई जो हमारा ऑनर स्कोर 85 था ना तो भाई हमको 85 ही ऑनर स्कोर देखने के लिए मिलेगा, कुछ भी माइनस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और भाई लाइव प्रूफ आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भाई हमारा ऑनर स्कोर 85 ही है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, ठीक है। अब भाई मैं आपको बता दूं अगर आप भाई लोन वॉल्फ खेल रहे हो तो सोलो ही खेलना है, डीओ में अगर आप बैक करोगे या गलती करोगे तो भाई आपका ऑनर स्कोर फिर से माइनस होगा। अब भाई आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई मैं लोन वॉल्फ सोलो में अंदर चला गया हूँ, ठीक है। एंड भाई अगर मैं इसको पूरा फुल खेलता हूँ ना गेम को, अब भाई जरूरी नहीं है कि मैं सामने वाले बंदे को मार के जीतूं या फिर भाई सामने वाला बंदा मेरे को मार देता है तो प्लस नहीं मिलेगा, भाई सब कुछ प्लस मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई मैं सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा एंड भाई वो ही मेरे को मारेगा। तो भाई अभी 20 के राउंड में स्किप करता हूँ और भाई चलते हैं हम सीधा लास्ट वाले राउंड पे। तो भाई आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि मैं लास्ट वाले राउंड पे आ चुका हूँ और भैया मैंने फ्लैश भी फेंक लिया और भाई अंधे भी हो जाते हैं। अब भैया एनिमी आ जा यार हमको जल्दी से मार दे, अब ये आ गया चच्चे मार दे, अबे नूबड़े भाई नूबड़ी आईडी में नूबड़े पंथी, चलो भैया मार दिया, बढ़िया बात है। अब अपन चलते हैं हमारे ऑनर स्कोर की तरफ। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई जो अपना ऑनर स्कोर है ना वो 100% प्लस हुआ होगा एंड भाई मैं गारंटेड बोल सकता हूँ क्योंकि भाई अपन ने पूरा मैच खेला है। अब भाई मर गए वो अलग बात है, मैंने डैमेज भी नहीं दिया सामने वाले बंदे को, पर भाई यहाँ पर अपना ऑनर स्कोर प्लस हो चुका है। अब भाई अपन चलते हैं ऑनर स्कोर के अंदर सीधा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे जहाँ पर हमारा 85 था ना वहीं पर हमारा 86 हो चुका है। और गाइस अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो भाई हिस्ट्री में भी हमको एक प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। अब भाई मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई कैसे क्या प्लस होगा और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एक पॉइंट प्लस हो चुका है, यानी कि भैया एक बात तो क्लियर है कि अपना गेम खेलने से ही ऑनर स्कोर प्लस होने वाला है और गेम बैक करने से अपना ऑनर स्कोर माइनस होने वाला है। पर भाई मैं आपको बता दूं एक दिन में आप ओनली 5 ऑनर स्कोर प्लस कर सकते हो। हाँ गाइस 5 ऑनर स्कोर से ज्यादा आप प्लस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपका ऑनर स्कोर 60 बचा है 70 बचा है तो भाई आप लोन वॉल्फ खेलो हो सके जितना और प्लस करो। और अगर आप वीआर खेल रहे हो तो भाई उसमें से बिल्कुल भी बैक नहीं करना है एंड भाई आपको रिसेंट में भी गेम को नहीं डालना है क्योंकि भाई रिसेंट में डालने से भी कभी कभी बैक हो जा मतलब माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपका ऑनर स्कोर माइनस है, माइनस में चल रहा है तो भाई बिल्कुल सावधानी से खेलो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे भाई बाय बाय टाटा, तो लव यू ऑल फ्रेंडों को, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरे भाई बाय बाय एंड मैंने आपका पूरा सॉल्यूशन कर दिया है ऑनर स्कोर का, तो इसी बात पर एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरी जान। और जय हिंद जय भारत।